हो नहीं रहा था, तो अभी आ गया है केंद्र की तरफ से कि उसको और ज्यादा ऊंचाई ऊंचाई तो करवा ही रहे हैं, फोर लेन बनवा रहे हैं पूरा ऊंचाई, और इतना अच्छा बनेगा कि जो आपका जो शहर है इसका बहुत विस्तार हो जाएगा और आगे बढ़ेगा। करेंगे उससे पहले हम लोग को विस्तार तो कर ही ना देंगे जी, हम लोग बनाएंगे तो राज्य सरकार ये दे ही देती है ना। हो गया, हो गया, हो गया, आप जान लीजिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया सोभन में ही बनेगा दरभंगा एम्स। बिहार सरकार के जल संसाधन तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्री संजय कुमार झा ने दरभंगा में सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज मिथिला के लिए एक बड़ा दिन है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने डीएमसीएच को पूर्ण विकसित करने की 2,742.4 करोड़ की योजना के तहत दरभंगा में 2500 बेड का नया हॉस्पिटल दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि दरभंगा एम्स सोभन में ही बनेगा। इसके लिए उन्होंने विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। श्री संजय कुमार झा ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने डीएमसीएच परिसर में 400 बेड के नवनिर्मित सर्जरी ब्लॉक के भवन का उद्घाटन किया है, जिसमें कुछ दिनों में ही इलाज शुरू हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने 2100 बेड के नए अस्पताल के साथ साथ प्रतिवर्ष 250 नामांकन के मेडिकल कॉलेज भवन का शिलान्यास किया। अब पटना के पीएमसीएच के बाद दरभंगा का डीएमसीएच संभवतः बिहार का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल हो जाएगा। इस बड़ी सौगात के लिए हम सभी मिथिलावासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और माननीय उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री श्री तेजस्वी यादव के प्रति आभार प्रकट करते हैं। श्री संजय कुमार झा ने कहा कि दरभंगा में एम्स बनेगा यह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तय किया था। इस वर्ष जनवरी में समाधान यात्रा के दौरान उन्होंने एम्स के लिए शोभन एकमी बाईपास के निकट चिन्हित भूमि की स्थल पर जाकर समीक्षा करने के बाद उसकी स्वीकृति दी थी। और विस्तार हम लोग करने के लिए कर रहे हैं और 250 का भी हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, और उसमें तो बाकी का 400 का तो ठीक है कर दिया ये लोग, अब बाकी यही सामने में हो जाएगा और काफी ऊंचाई से खूब अच्छा और बन जाएगा और एकदम बहुत अच्छे ढंग से सब लोगों का ट्रीटमेंट होगा। यहाँ पर का तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट, तो इसमें पढ़ने वालों की संख्या और न बढ़ेगी मेडिकल कॉलेज में, इसलिए राज्य सरकार की वजह से सुपर स्पेशलिस्टी रुका हुआ है, अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ है, 3 साल से तैयार है सर। नहीं वो ठीक है, वो चेक करा तैयार बन के तैयार है सर, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बन के तैयार है सर, वो तो तैयार तैयार हो ही जाएगा, हो जाएगा। चलिए हो गया, हो गया, चलिए हो गया। आप पिछले बार हम तो चाहते थे इसी को बना देना था, पहले एग्री कर गए थे, फिर हो गया नहीं उसमें, तो यहाँ हम उसको जरा विस्तार कर रहे हैं। और एक जगह जो जनवरी में दिखाया एक जगह, तो हमको लगा एक तो बड़ा अच्छा है, इस शहर का कितना ज्यादा विस्तार हो जाएगा, तो अभी हो नहीं रहा था, तो अभी आ गया है केंद्र की तरफ से कि उसको और ज्यादा ऊंचाई ऊंचाई तो करवा ही रहे हैं, फोर लेन बनवा रहे हैं पूरा ऊंचाई, और इतना अच्छा बनेगा कि जो आपका जो शहर है इसका बहुत विस्तार हो जाएगा और आगे बढ़ेगा। आप देखिएगा कितना बढ़िया, चारों तरफ से लोग इलाज कराने के लिए, हर जगह से लोग इलाज के लिए आवेगा, नेपाल उसमें इतना बढ़िया से नेपाल से लेके कहीं भी बाहर से बहुत सुविधा होगी, और वहीं पर हम लोग बहुत तेजी से काम करके सब अभी उसको करके दे दिया जाएगा। फिर अब वो एग्री कर गए हैं, हाँ मान हो जाएगा तो तत्काल उसको शुरू करवा दें, लेकिन शुरू जो करेंगे उससे पहले हम लोग को विस्तार तो कर ही ना देंगे जी, हम लोग बनाएंगे तो राज्य सरकार ये दे ही देती है ना। हो गया, हो गया, हो गया, आप जान लीजिए पहले जो एक हमारा बन गया था वहाँ पटना में अटल जी के समय में पटना में अब बाद में जब 15 में ही लोग बना रहे थे तो हमने कहा था पटना तो हो गया, तब उनको मालूम हुआ तो हुआ, तब बाद में देखिए पटना में पहला मेडिकल कॉलेज, आपका यहाँ वाला सबसे दूसरा मेडिकल कॉलेज, हम चाहते यहीं पर बने, हम लोग तो एग्री कर ही गए। वहाँ पर भी हमको यहाँ के लोग मिलते थे, बाजार समिति सिवधारा दरभंगा 8460004, हाजी अबुल कलाम मोबाइल नंबर 9835686530, 9939797586।
सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक।